आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। सुधर जाएं अधिकारी नहीं तो सिखा देंगे नौकरी करना। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों का कहना है। जी हाँ, हम आपको बता दें, मामला राग तहसील का है, जहाँ 4 महीने से लाइट समस्या से हताश होकर शिकायत कर रहे हैं शिकायतकर्ता। लेकिन लाइट प्रशासन इस विषय पर सुधार करने तथा छात्रों की परेशानियों को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर बिजली विभाग के खिलाफ पैदल जुलूस निकाला। दफ्तर पहुंच आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विभाग का पुतला फूका। सभी कार्यकर्ता विभाग से की जा रही विद्युत विभाग की बिजली कटौती से खासे नाराज थे। उनका कहना था कि कई बार वार्ता करने के बाद भी विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। समाचार ए टू जेड के लिए राहुल, समाचार ए टू जेड के लिए योगेश साहू की रिपोर्ट। मामला ये है कि आज थर्ड ईयर का पेपर था जगतराज महाविद्यालय में, न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता, यूनिवर्सिटी नहीं अलाउ कर, जो अदर कॉलेज है वही चला, लेकिन वहाँ कैलकुलेटर छीन लिया गया, वहाँ कैलकुलेटर नहीं लिया गया। इससे जितने बच्चे थे उनका पेपर सब बर्बाद हो गया, और एनए का पेपर ऐसा होता है कि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व ही नहीं हो सकता। वो जगह बी एन वी डिग्री कॉलेज का आया, जगतराज महाविद्यालय पहुंचा, वहाँ डिग्री कॉलेज में भी अलाउ किया गया कैलकुलेटर, यानी कि यहाँ छीन लिया गया। हमसे चाह रहे थे कि हमारा पेपर जो हुआ वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हाँ बर्बाद होगा, पूरी साल बर्बाद। सर, ये आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन जो है वो निजीकरण के विरोध में है। सरकार जो है 5 जिलों को निजीकरण में देना चाह रही है, लेकिन हम सरकारी व्यक्तियों को सुविधाएं नहीं देना चाह रही है। ये हमारा विरोध प्रदर्शन है कि आप हमें सुविधाएं दीजिए, हम निजी कंपनियों से अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो हमारी कैस्को में कंपनी है, जो कानपुर में कंपनी है कैस्को, उसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, जबकि आगरा में निजीकरण किया गया तो उसने, जो टॉरेंट कंपनी है वो घाटे में है। कैस्को पूर्णतः सरकारी है, उसका थ्रू रेट भी अच्छा है, और वो आज 1 यूनिट पर 6 रुपए का फायदा दे रही है हमारी कंपनी को। फिर भी पता नहीं सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण करने में लगी हुई है। तो इस संबंध में आपने कोई एप्लीकेशन दी है सरकार को या कुछ ज्ञापन वगैरह कुछ दिया है? हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने सरकार को, प्रदेश सरकार को तथा प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा है, और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि जब तक निजीकरण को बंद नहीं किया जाएगा हमारा धरना और प्रदर्शन इसी तरीके से चालू रहेगा। तो ये अभी एक ही दिन का धरना है या ये कंटिन्यू रहेगा? ये कंटिन्यू रहेगा, अभी केवल शुरुआत हुई है और अभी बहुत सारी लड़ाई लड़नी बाकी है, हम पूरी जोर से पूरी ताकत से पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये धरना उत्तर प्रदेश में और भी कहीं जारी हुआ है कि ये पूरे प्रदेश में आज किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार।